सो ये है क्या? माइनक्राफ्ट की मूवी का टीजर रिलीज हो चुका है और मैं कहूंगा कि ये बहुत ही बकवास किस्म का है। पहली बात, मुझे लगा कि ये पहली एनिमेटेड मूवी होगी जैसे द मारियो थी, लेकिन ये एक एनिमेटेड मूवी नहीं है। लेकिन उसमें भी मसला नहीं होना था। पहली बात, सीजीआई इतना बैड, ऊपर से जितने भी करेक्टर्स है उनको पता नहीं कैसे कपड़े पहनाए हुए हैं। इनको क्या लगता है कि आज की जनरेशन ऐसे कपड़े पहनती है? ऊपर से इनके डायलॉग्स तो 2000 की मूवीज में जो क्रिंजी जोक्स होते हैं उससे भी ज्यादा बुरे हैं। आई एम स्टीव। और ऊपर से हर चीज के बाद कुछ फनी डालने की कोशिश की हुई है। मुझे पता है कि माइनक्राफ्ट के अंदर सिर्फ और सिर्फ ब्लॉक्स के करेक्टर होते हैं, उनमें कोई करेक्टर डेवलपमेंट थोड़ी ना होगी, लेकिन फिर भी मुझे लगता है सारे एक्टरों को बस अजीब कपड़े पहना दिए गए हैं और कहा गया है कि सिर्फ कॉमेडी करो। ये स्पेशली सूट करता है जैक ब्लैक को कि उनको सिर्फ एक नीली शर्ट पहनाई है और उनको कहा है कि आई एम स्टीव लाइन बोलो, जैसे लोगों को समझ नहीं आई ये कौन है। माइनक्राफ्ट वर्ल्ड की सबसे बेस्ट गेम में से एक है और उसको ऐसा ट्रीटमेंट मिल रहा है, ये देख के दुख होता है। और इसको मुझे लगता है जुमानजी बनाने की कोशिश की गई है कि जुमानजी पैसे कमा गई थी तो ये भी कमा दे। तो मुझे तो ये बहुत बुरा ट्रेलर लगा है और मुझे उम्मीद नहीं थी कि हमें एक माइनक्राफ्ट की मूवी का ट्रेलर इतना डिसअपॉइंटिंग देखने को मिलेगा। और फैंस भी इसके काफी मजे ले रहे हैं, वो तो ओके है क्योंकि सीजीआई ऑफ है। उसके बाद ऐसा लगता है सारे करेक्टर को एक छोटे से कमरे की ग्रीन स्क्रीन में डाला हो। डायलॉग्स इतने बुरे, मुझे याद नहीं इसमें क्या अच्छी चीज है। इसको एक एनिमेटेड मूवी ही होना चाहिए था। आपको क्या लगता है?